क्या नाम है आपका? मार नाम श्रीमान जी राजदेव। राजदेव, क्या मामला था जो आप सिगराला थाना तहरीर दिए हैं? हमारे लड़की के दहेज प्रथा में मार डाले। कौन मार डाला? राजा राम उनके लड़कियां जौन हुए प्रदीप और खूंटे। हाँ, कितने तारीख को ये घटना है साहब? आज 13 तारीख की। अच्छा, आज रात की घटना है। आज रात की घटना 4 बजे। कितने बजे आपको सूचना लगी कि? आज 4 बजे सूचना मिली। तो आप कब वहाँ पहुँचे? अरे लगभग 5 बजे पहुँचे। 5 बजे आप पहुँचे। हाँ। तो शादी आप कब की थी अपनी बेटी की? आप वहाँ पर सिगरारा थाना क्षेत्र में देवीगंज में राय भाई है ना कि हम 2 साल 1 महीना ऊपर होता। 2 साल के 1 महीना ऊपर हो या कम हो, 2 साल हो गए। क्या नाम था आपकी बेटी का? हमारे गुंजा। गुंजा नाम था। तो उसके बच्चे उच्चे भी हैं? हाँ, एक है बच्चा। वाह। तो कभी कोई बात विवाद या कभी ऐसा झगड़ा होता हो जो आपको आपकी बेटी बताई हो? हमारी बेटी बताई कि हमको कहीं पापा छोड़ा कर दो, दहेज मांगते हैं सब पापा। हम कहे बिटिया छोड़ाई बुराई भी नहीं, हम दहेज मांगे हम उनका साल तमाम में जोन मांगे सिकड़ी अंगूठी जोन मांगा थे कुल दे दे बे रुपये पैसा 50,000 मांगे मंगी वो दे दे। अब तो शादी हो गया बा और उसके बीच में एक अंगूठा दिए रहे का नाम से लाकेट दिए रहे। वह लाकेट पूछे को उनके घर वाले खुद परेशान हैं, तुम कहाँ पाई लाकेट? तो हमारे वो बोले कि हमारे पापा कितनी जगह जमीन है, इतने कमाते धमाते हैं, लिबराना करते हैं, वो के किसी ऋण कर्जा लेकर वो लाकेट नहीं दे सकते। बस वही लाकेट उनकी मरने की कारण है। और कहें कि तो हमारा पैसा नहीं दिए, सिकड़ी नहीं दिए, अंगूठी नहीं दिए। वो दहेज प्रथम साहब हमारे बेटी को हत्या कर दिए इतने लोग। आपका कहना है कि आपकी बेटी को प्रताड़ित किया जाता था? हाँ। और मोबाइल छोड़ लिया, नहीं तो हमको फोन करके बताती ये घटना होने नहीं। आखिरी बार कब बातचीत हुई थी फोन के माध्यम से आपकी बेटी से, गुंजा से? 13 तारीख 6 बजे शाम को हमारी बेटी से नहीं बात हुई, हमारे दामाद से बात हुआ। दामाद को हमने 1 घंटा हमारा लड़का फोन करते रह गया, वो फोन नहीं उठाया। और उसके बाद उठाया लास्ट टाइम में तो बोल रहा था क्या मुझे फोन कर डिस्टर्ब करते हो आपका दामाद? हाँ, अब बताओ क्या काम है? तुम्हारा लड़का कैसे ऐसा है, तुम फोन क्यों नहीं उठाते, हाल चाल हो या क्या बात हो? तो कहें ठीक है, हमारा लड़का बोला कि कल हम आ रहे हैं आनने के लिए। तो कहें कि मैं लाइन जोड़ा आ रहा हूँ, अभी कुछ देरी बाद फोन करेंगे घर से, डिस्टर्ब घर से समझ कर तब आना। वो अभी तक फोन नहीं किए साहब। लड़की हमारी 4 बजे रात को हमको खबर मिली कि तुम्हारी लड़की खत्म हो गई गुंजा। क्या बताया गया, केवल ऐसे ही क्या गया खत्म हो गई है? हाँ। जब आप वहाँ मौके पहुँचे क्या देखे? मौके पहुँचे वहाँ पर हम लाश चली आई थी थाने पर। कौन सा थाने पर? सिकराए थाने पर। तो वहाँ पर यही जो प्लास्टिक थाना ही हो, पैक जो होता पैक हो, उसमें लेटाई थी। मैंने पहुँचा, रोने पीटने लगा। तो पुलिस वाले ले आकर गए एक कागज पत्र लिखाएं पढ़ाएं। तो उसके बाद क्या बातचीत हुई? उसके बाद बातचीत हुई कि कैसे मरी कैसे नहीं मरी। मैं बोला कि साहब हमें अगर मालूम होता हम बताते कैसे मरी, या वहाँ पर मारकर टांगा गया था। आपके जो समधन है 1076 पर फोन किया था, जो आपके समधन है। हाँ। और जो आपके समधी है। हाँ। वो कह रहे थे कि ये हैदराबाद जाने वाले थे, 26 तारीख को टिकट था। हाँ। रात को हम मछली लाए, बनाए, खाई, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया हम लोग नहीं जानते, नहीं जानते। वो लोग ऐसा कह रहे थे। ये साहब सब बनावटी बात बता रहे हैं। हम्म। वो टिकट जरूर निकालने वाले थे, वो इसीलिए हमारा लड़का फोन कर रहा था कि आइए बताइए क्या कमी है क्या नहीं कमी है। अगर कोई कमी हो पैसा कौड़ी के 2-4 हज़ार रुपया 1,000-2,000 हम और व्यवस्था करके, क्योंकि हमारा लड़का भी जा रहा था रास्ते का खर्चा पानी लिए। इस गांव का क्या नाम है तो जहां इसीलिए फोन कर रहे थे, वो फोन उठाया नहीं। उठावा 1 घंटा बाद वो कह रहा मैं लाइन जोड़ रहा हूँ
अभी जो है बाद में फोन करेंगे, वो फोन नहीं किया। फोन कब किया? 4 बजे भोर में कि तुम्हारी लड़की खत्म। ये गांव क्या नाम है? गांव मुस्तफाबाद नाम है। मुस्तफाबाद है, थाना बक्सा है। थाना बक्सा है। आप क्या चाहते हैं? क्या है आप क्या चाहते हैं इस मामले में? इस मामले में हम उनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, उनको सजा दिलवाया जाए। हाँ, यही आप चाहते हैं? हाँ। कि जो आपके साथ बेटी के साथ जो गलत हुआ है, हाँ, उसी प्रकार से, हाँ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो उनकी कड़ी से कड़ी सजा। कितने लोगों का आपने नाम दिया? किसका किसका या कौन कौन था? जो उम्र साहब 4-5 लोग नाम दिए, कुछ अज्ञात हैं। और मुख्य आरोपी किसे बनाए हैं? मुख्य आरोपी राजा राम, हमारे प्रदीप। प्रदीप कौन है? प्रदीप जो है वो हमारा दामाद है। और एक खूंटे नाम उनसे कुछ और है, खूंटे खूंटे का बुलाया जाता है। तो एक उनका वो भगे हैं और एक हमारी समधिन है। हाँ, तो आपकी समधन और समधि दोनों थाने पे हैं, आपका दामाद भी थाने के अंदर बैठा है। थाने के अंदर बैठा है। आप चाहते हैं आपका मुकदमा दर्ज करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक।